हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो कोविड के ब्रेकआउट के बाद इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ 2020-21 के बीच में, जो कि अभी तक सॉर्ट नहीं हो पाया है। ऑल्दो सिचुएशन इतनी वोलेटाइल नहीं है, पर ट्रूप्स अभी भी डिप्लॉयड हैं। साथ ही साथ दोनों पार्टीज द्वारा बिल्डअप किया जा रहा है किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। खैर, आर्मी का तो बिल्डअप यहाँ पर चल ही रहा है, साथ ही साथ जो एयरफोर्स है दोनों साइड की, इनके द्वारा भी अपने बिल्डअप की जो गति है ये बढ़ा दी गई है। और जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो है ये काफ़ी तेज़ी से अपने रनवेज को एक्सटेंड कर रही है, उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रही है और अपने डिप्लॉयमेंट को भी ये यहाँ पर इनक्रीज कर रहे हैं, और वो भी तब जब दोनों पार्टीज़ बातचीत में इंगेज्ड हैं। तो कई नए बेसिस भी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट बेसिस की बात करेंगे जहां पर बड़े तौर पर कंस्ट्रक्शन दिखा है और यूजुअल बड़ा डिप्लॉयमेंट रहता है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ऐसे चार बेसिस हैं। पहला होतान एयरबेस है जो कि लद्दाख के पास पड़ता है, दूसरा कारगुनसा एयरबेस है जो कि हिमाचल के पास पड़ता है, तीसरा शिगात्से एयरबेस है जो कि सिक्किम के पास पड़ता है, और चौथा ल्हासा एयरपोर्ट है या फिर एयरबेस है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें से जो मैक्सिमम एयरबेसेस हैं ये सिविल एयरबेस हुआ करते थे। यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये अपने एयरबेसेस को अपग्रेड कर रहे हैं और परमानेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहाँ पर ये करने वाले हैं, जो कि पहले केस नहीं था। शुरुआत करते हैं होतान एयरबेस से। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास गूगल मैप्स की इमेजेस हैं जो कि हाई रिजोल्यूशन है पर पुरानी है, और एक लेटेस्ट इमेज है जो कि नई तो है पर रिजोल्यूशन यहाँ पर अच्छा नहीं है, लेकिन बेसिक डेवलपमेंट जो है यहाँ से समझा जा सकता है। तो अगर आप नवंबर 2020 की इमेज को देखते हैं, जिस साल इंडिया और चाइना के बीच में स्किरमिश हुआ था, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल तो रहा है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ एक छोटा रनवे एक्टिव है जहाँ पर कुछ पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पार्क्ड दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद जब एक साल बाद की इमेज देखी जाती है जो कि अक्टूबर 2021 की है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमें थोड़ा ज़्यादा दिखता है। और फिर जो लेटेस्ट गूगल अर्थ की इमेज है जो कि नवंबर 2022 की है, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट कम्प्लीट दिखाई देता है और यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट अच्छे खासे नंबर में डिप्लॉयड है। क्लोजली मॉनिटर करने पर यहाँ पर अच्छे खासे नंबर में J-11 एयरक्राफ्ट दिखाई देते हैं, और ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो हमें नोज़ यहाँ पर थोड़ी लाइट कलर के दिखाई देती है, यानी कि ये अपग्रेडेड J-11BG एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार को लगाया गया है, यानी कि चाइना द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट किया गया है। फिर थोड़ा साइड में जाते ही हमें एवैक्स दिखाई देते हैं। तो जो बीच में एवैक्स है ये KJ-500 है, वहीं पर साइड में जो दो एयरक्राफ्ट हैं ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं जो कि शांसी Y-9 पर बेस हो सकते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं जो कि GX-11 या फिर GX-12 हो सकते हैं। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट इमेज हमारे पास है जो कि मई 2023 की है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट रनवे बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये जो नया रनवे है ये लेंथ में पुराने रनवे से काफ़ी लंबा है, और यहाँ पर एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ हैंगर्स और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सिविल एयरबेस के पैरेलल में मिलिट्री एयरबेस बनाया है और रनवे की लंबाई को लंबा किया है। अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि वो जो रीजन है तिब्बत का ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पर है और जो एयर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिन है, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम है जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है उनके इंजन प्रॉपर थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते, साथ ही साथ प्रॉपर लिफ्ट भी वहाँ पर नहीं मिलती। तो हायर पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए लंबे रनवे चाहिए, और जो पुराने रनवे थे वो उतने लंबे नहीं थे जो कि एयरक्राफ्ट की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते थे, इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा लंबे रनवेज को बनाया गया है और ये कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिखाई देता है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं दूसरे एयरबेस की तरफ। दूसरा जो यहाँ पर एयरबेस है ये कारगुनसार एयरबेस है जो कि हिमाचल के पास में आता है, और ये भी हायर एल्टीट्यूड पर ही है और ये होतान एयरबेस जितना बड़ा नहीं है। तो पहली इमेज जो है ये मई 2020 की है और दूसरी इमेज मई 2023 की है, यानी कि टोटल 3 साल का डिफरेंस है दोनों इमेजेस में। पहली इमेज में हम देख सकते हैं रनवे छोटा सा है,
कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि काम 2020 में चालू था, लेकिन 2023 में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली दिखाई देगी कि कुछ नई बिल्डिंग्स यहाँ पर खड़ी हो गई हैं जो पहले एम्प्टी स्पेसेस थे वहाँ पर। साथ ही साथ रनवे के बगल में पार्किंग एरिया को बढ़ाया गया है, साथ में पैरेलल टैक्सिंग वे को भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो भी रनवे की पूरी लेंथ पर। तो ये पहले से ज़्यादा एक्टिव रनवे दिखाई देता है। बाकी अगर हायर रिजोल्यूशन 2020 की इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट हुआ करता था, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो 2021 की एक इमेज है जो कि विंटर की है और यहाँ पर आप स्नो को देख सकते हैं, तब भी यहाँ पर आप साइड में कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल को पड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर एयरक्राफ्ट शेल्टर वगैरह पहले से ही बनाए जा रहे थे और यहाँ पर भी कोशिश करी जा रही है परमानेंट डिप्लॉयमेंट करने की। साथ ही साथ यहाँ पर आप 4 के करीबन J-11 एयरक्राफ्ट देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ल्हासा एयरपोर्ट की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास में है, और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ल्हासा एयरपोर्ट जो है ये भी बाकी एयरपोर्ट्स की तरह सिविल एयरपोर्ट हुआ करता था और कुछ मिलिट्री प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिप्लॉयड रहते थे। तो 2021 की जो इमेज है जो कि गूगल से अवेलेबल है और हाई रिजोल्यूशन की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 J-11 डिप्लॉयड हैं और एयरक्राफ्ट को रखने के लिए शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। यानी कि तो इस एयरबेस को बड़ा एयरबेस बनाने का प्लान चाइना का पहले से था, लेकिन अगर आप लेटेस्ट इमेज को देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ल्हासा एयरबेस का या फिर एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है उसके पैरेलल में 2 बड़े रनवे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो कि लंबाई में पुराने रनवे से ज़्यादा लंबे हैं। साथ ही साथ आपको साइड में कुछ बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एयरबेस यहाँ पर एयरफोर्स का सेटअप हो रहा है दूसरी साइड पर। बाकी इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो कितने एयरक्राफ्ट का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है ये देखा नहीं जा सकता, लेकिन क्लियरली जो कंस्ट्रक्शन है बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर हुआ है और पूरा का पूरा एयरबेस परमानेंट एयरबेस यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ से साफ हो जाती है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की परमानेंट प्रेजेंस यहाँ पर रहने वाली है। बाकी अगले एयरबेस की बात करें तो ये इससे थोड़ा दूर शिगात्से एयरपोर्ट है, जिसे शिगात्से पीस एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो इसकी 2019 की एक गूगल इमेज है जिसमें आप एक रनवे देख सकते हैं, साथ ही साथ पार्किंग वे, टैक्सिंग वे देख सकते हैं और मल्टीपल हेलीपैड्स देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर J-10 फाइटर्स के डिप्लॉयमेंट हुए हैं ये भी क्लियरली देखा जा सकता है। बाकी जो लेटेस्ट इमेज है उसको देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ज़्यादा नहीं किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ से साफ है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा अपने डिप्लॉयमेंट को बीफ अप किया जा रहा है। तो पहले यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है मिनिमम हुआ करता था और यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कोई भी परमानेंट बेसिस नहीं थे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब उनके द्वारा अपने एयरपोर्ट्स को अपग्रेड भी किया जा रहा है, अपने लेटेस्ट प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय भी किया जा रहा है, साथ ही साथ शॉर्टर रनवे के साथ परेशानियाँ थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लंबे रनवेज के कंस्ट्रक्शन भी किए जा रहे हैं। तो जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज हमें पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के अगेंस्ट में मिलता था उसको इवन आउट करने की कोशिश करी जा रही है PLAAF द्वारा और अपने डिप्लॉयमेंट नंबर्स को भी बढ़ाया जा रहा है। तो हमारे द्वारा भी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और नए एयरबेसिस भी बनाए जा रहे हैं, पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो तेज़ हो सकता है पर फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लॉयमेंट में समय लगता है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।